दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुंदन कुमार और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स सितंबर 2022 से लेकर अगस्त 2023 तक का डिस्कस करेंगे। आने वाले एग्जाम बीपीएससी 69, दरोगा या फिर सिपाही, उसमें आपको ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे जिले का मैपिंग किया हुआ है और उस जिले से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको एक जगह पे लिख दिया गया है। इससे चीज़ें थोड़ी जल्दी याद होती है। मोर का अधिवास वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बनाया गया है। मोर का अधिवास वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बनाया गया है। यह पश्चिमी चंपारण की बात हो रही है। मरचा चावल GI टैग इसे मिला है, इसे सुगंधित चावल भी बोलते हैं। टाइगर सफारी की शुरुआत हुई है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। नीतीश कुमार ने 5 जनवरी 2023 से समाधान यात्रा निकाली थी। समाधान यात्रा वाल्मीकि नगर से निकाले थे। बाघों की संख्या कुल बढ़कर 54 हो गई है और राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है। तो यह हो गया पश्चिमी चंपारण। अब आते हैं पूर्वी चंपारण पे। 10वीं सीनियर ड्रैगन बोट प्रतियोगिता पूर्वी चंपारण में आयोजित हुई। 10वीं सीनियर ड्रैगन बोट प्रतियोगिता पूर्वी चंपारण में आयोजित हुई। विराट रामायण मंदिर पूर्वी चंपारण में बन रहा है। केसरिया स्तूप यहाँ, यह भी पूर्वी चंपारण से ही है। सबसे बड़ा शिवलिंग पूरे विश्व में, सबसे बड़ा शिवलिंग पूर्वी चंपारण में ही बनाया जा रहा है। यहाँ पे राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला FSSAI के द्वारा सेटअप किया जा रहा है। पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी में बनाया गया है। अगला है शिवहर। शिवहर में बेलवा डैम प्रोजेक्ट, यह रहा शिवहर में बेलवा डैम प्रोजेक्ट। और शिवहर में, शिवहर को बिहार औद्योगिक की समीक्षा में शीर्ष स्थान मिला है। तो हम लोग पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और फिर ये शिवहर देख रखे हैं। अगला देखते हैं सीतामढ़ी। मछुआमा पंचायत नेशनल पंचायत अवार्ड जीता है 2023 का। अगला रहा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के द्वारा बंथाहा गांव में पाकड़ का पेड़ को विरासत वृक्ष का दर्जा मिला है। विरासत वृक्ष का दर्जा मिला है। तो यह हो गया सीतामढ़ी। अगला है मधुबनी। मधुबनी में दिल्ली हाट की तर्ज पे मिथिला हाट बनाया गया है। मधुबनी जिले का अपना एक लोगो होगा। मधुबनी जिले को मछली उत्पादन में पहला स्थान मिला है पूरे बिहार राज्य में। PM ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन में मधुबनी जिलों को पहला स्थान मिला है। अगला है सुपौल जिला। सुपौल जिला ये हो गया पहला कचरा मुक्त शहर, सुपौल शहर। कोसी सफारी की शुरुआत यहीं हुई है और तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क सुपौल में बनाया जा रहा है। कोसी रेल महासेतु सुपौल जिले में है। यह कहाँ से कहाँ तक है? सरायगढ़ से लेके निर्मली तक। अगला जिला है अररिया। ये अररिया जिला है। दूसरा चिड़ियाघर यहाँ पे बनाया जा रहा है अररिया जिले में, अररिया जिले के रानीगंज में। पहला कहाँ पे है? पहला पटना में है। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम में जो रैंकिंग हुई उसमें लास्ट रैंक अररिया को मिला है और पहला रैंक जहानाबाद को मिला है। तो दोनों याद रखिएगा। पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क यह कुसियारा अररिया जिले में बना है। तो तीसरा है, तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क आप देख सकते हैं सुपौल में और पहला कहाँ पे है? अररिया जिले में। ई मालखाना मॉडल राज्य भर के पूरे थाने में लागू किया जाएगा। ये कौन सा जिला है? यह है किशनगंज जिला। किशनगंज जिला है ये, और किशनगंज जिला ने डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार किया है। अगला देखते हैं हाथी पाव दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाला पूर्णिया जिला पहला जिला बनना है। यह जिला है पूर्णिया। मैथिली अनुवादक का साहित्य रत्नेश्वर मिश्र को मिला है। सेकेंड मॉडर्न डॉपलर रडार पूर्णिया में लगाया जा रहा है और जूट एंड नेचुरल फाइबर पार्क यह भी पूर्णिया में लगाया जा रहा है। यह है कटिहार जिला। गोगाबिल पक्षी विहार जो कि मनिहारी में है, इसको पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है। दूसरा सुपर ग्रिड 675 किलोवाट का कटिहार में लगाया जा रहा है। अगला देखते हैं, ये रहा मधेपुरा। मधेपुरा में कचरा उपचार केंद्र बनाया गया है और एक और कचरा उपचार केंद्र बना है जो कि भोजपुर जिला में बना है।
ये जिला रहा सहरसा। सहरसा पेपरलेस ई ऑफिस बन गया है, सहरसा कलेक्टेरिएट पेपरलेस ई ऑफिस बन चुका है। सहरसा 19वां नगर निगम है, बिहार का 19वां नगर निगम सहरसा है। ये है खगड़िया, इससे रिलेटेड मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला तो उसको स्किप कर रहे हैं। ये रहा दरभंगा जिला। दरभंगा जिला में राज्य का दूसरा तारामंडल बन रहा है, 150 एकड़ में एम्स बन रहा है दरभंगा जिले में। मखाना अनुसंधान केंद्र अगेन दरभंगा जिला में। सोनी चौधरी जो कि मैथिली की लोक गायिका है, उन्हें बिहार रत्न सम्मान मिला है। अगला है ग्रामीण इलाके में शुद्ध पेयजल में पहला स्थान समस्तीपुर जिला को मिला, ये रहा समस्तीपुर जिला। प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट भी समस्तीपुर जिले में लगाया जा रहा है, ये रहा बेगूसराय जिला। समृद्ध प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र जो कि गौ मंदिर नागदह में है। नागदह याद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिले के अंदर वाला जो शहर होता है उसका नाम पूछा जा रहा है, अगर पिछले कुछ बार से देखे तो। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसका बिहार स्पेशल का एक और वीडियो आएगा, वो थोड़ा डिटेल्ड होगा। ये वन लाइनर टाइप है, वो थोड़ा डिटेल्ड होगा तो उससे क्वेश्चन आने के संभावना ज़्यादा रहेगा, वो करीब 2 घंटे का वीडियो हो सकता है। तो ये रहा था बेगूसराय। अगला है वैशाली। वैशाली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट का रीजनल सेंटर खोला जा रहा है। मेन सेंटर कहाँ पे है? पानीपत हरियाणा में। बौद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय ये भी वैशाली जिले में। सुलभ शौचालय के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक ये भी वैशाली जिले से थे, इनका निधन हुआ है। रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना वैशाली जिले में की जा रही है। आप लोग ये चीज़ का ध्यान देंगे कि इसमें जो नाम जिनको पुरस्कार मिला है या फिर जो भी जो खेल से संबंधित हैं उनके नाम को मैंने स्किप किया है, क्योंकि अगर मैं उसे ऐड करता तो 100 और फैक्ट्स ऐड हो जाते हैं, तो उसका मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, जो डिटेल वीडियो होगा ना उसी में उसको ऐड किया जाएगा। अगला है ये रहा मुजफ्फरपुर जिला। इसमें म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम मुजफ्फरपुर। मोतीपुर एथेनॉल संयंत्र 10 करोड़ लीटर इसका उत्पादन क्षमता होगा। फार्मा एंड सर्जिकल पार्क मुजफ्फरपुर जिले में बनाया जा रहा है। रामवृक्ष बेनपुरी स्मारक बागमती नदी के तट पे बन रहा है। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2022 मुजफ्फरपुर में। विश्व स्तरीय जीनोमिक लेबोरेटरी अभी मुजफ्फरपुर में ही। बिहार एग्रो क्लस्टर किसके द्वारा? एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा मुजफ्फरपुर में लगाया जा रहा है। वन्यजीव अस्पताल जो वन्यजीव अस्पताल है शेरपुर में है, मुजफ्फरपुर के शेरपुर में, इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा कि शेरपुर में है वन्यजीव अस्पताल। होमी भाभा कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल यह भी मुजफ्फरपुर में है। बैग क्लस्टर सीएम चीफ मिनिस्टर एमएसएमई क्लस्टर योजना के अंतर्गत आता है मुजफ्फरपुर में, बैग क्लस्टर। अगला रहा, इधर आ जाते हैं गोपालगंज। गोपालगंज में थावे महोत्सव मनाया गया। गोपालगंज में ऑक्सीजन पार्क खुला है। यह रहा सिवान का। सिवान औद्योगिक विकास रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा, तो दूसरे स्थान पर कौन रहा? दूसरे स्थान पर पटना रहा। ई संजीवनी के माध्यम से इलाज के मामले में सिवान जिला प्रथम स्थान पर रहा। बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल सारण जिले में बनेगा, ये सारण जिला है। प्रवासी भारतीय पुरस्कार अशोक तिवारी जो कि सारण जिले के रहने वाले हैं। जयप्रकाश नारायण की 14 फीट की मूर्ति शिताब्दियारा सारण जिले में बनेगी। तो देख सकते हैं कि नॉर्थ बिहार का सारा जिला कवर हो चुका है। अब आते हैं साउथ बिहार पे। ये रहा बक्सर जिला। बक्सर जिला में बायोगैस प्लांट बनाया जा रहा है गेल के द्वारा, GAIL इसके द्वारा बनाया जा रहा है बक्सर जिले के ब्रह्मपुर में। चावल का साइलो गोदाम बनाया जा रहा है बक्सर जिले में, और चावल का एक और साइलो गोदाम ये बनाया जा रहा है कैमूर जिले में। नील गायों का शोध संस्थान डुमराव में बनाया जा रहा है। अच्छा, ये रहा कैमूर जिला, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। चावल का साइलो गोदाम बक्सर जिले में और कैमूर जिले में। कैमूर जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खुला है। राज्य सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता में कैमूर जिले को पहला स्थान मिला है। दुर्गावती जलाशय परियोजना पर रिवर सफारी की शुरुआत हुई है, और ये जो रिवर सफारी है कैमूर जिला और सासाराम
रोहतास इन दोनों के बॉर्डर पे है। तो याद रखिएगा कहाँ पे, रिवर सफारी दुर्गावती जलाशय परियोजना दोनों के बॉर्डर पे, यानी कि दोनों जिला में इसको हम कवर कर सकते हैं। ये वाला रहा रोहतास। रोहतास में पराली प्रबंधन के लिए इको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला है रोहतास के कृषि विज्ञान केंद्र को। सोन रिवर को इको सेंसिटिव जोन और घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने के लिए एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार सरकार को आदेश दिया है या फिर अनुरोध किया है। गार्लैंड ट्रेंच बना है रोहतास जिले में, गार्लैंड ट्रेंच रोहतास में बना है, और भी दो जिले में बना है, एक बांका में है और एक नवादा में है। बटरफ्लाई पार्क रोहतास जिले में तुतली भवानी में बना है। पांडुका श्रीनगर पुल का उद्घाटन नितिन गडकरी किए थे। ये है भोजपुर जिला। दो दिवसीय बाजरा महोत्सव मनाया गया था भोजपुर जिले में। कचरा उपचार केंद्र, आप लोगों ने इसको मधेपुरा जिले में भी देखा था, यह भोजपुर जिले में भी बन रहा है। 10 मोबाइल हेल्थ क्लिनिक आरा सदर अस्पताल में डॉक्टर आपके द्वार भोजपुर जिला में शुरू किया गया है। मानसिक आरोग्यशाला कोइलवर, भोजपुर के कोइलवर में मानसिक आरोग्यशाला का शिलान्यास रखा गया है। फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट आरा में खोला जाएगा। अगला जिला है पटना। पटना में पीएमसीएच ग्रीन ग्रिड जर्मनी और फ्रांस की तर्ज पे बनेगा। नॉर्दर्न वुड एक्सपो उद्योग विभाग लगा रहा है। उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान ने अमेजन के साथ समझौता किया है। मछली रिसर्च सेंटर पटना जिले में बागवानी महोत्सव सह प्रतियोगिता 2023 वीर कुंवर सिंह पार्क में। बिहार रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट मोकामा में, जो कि मोकामा पटना में ही आता है। ये रहा नालंदा जिला, ये रहा जहानाबाद जिला है। ये जहानाबाद जिला में इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस प्रोग्राम में ये पहले स्थान पर रहा है, सर्वे में पहले स्थान पर रहा है जहानाबाद जिला। आखिरी स्थान पर कौन सा था, अररिया जिले में, जिसको ऑलरेडी पढ़े हैं। वनावर पहाड़ पर रोपवे का निर्माण हो रहा है। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला जहानाबाद जिला बना है। ये रहा औरंगाबाद जिला। सीता थापा महोत्सव औरंगाबाद जिले में मनाया गया। विनीत कुमार को स्वच्छता सारथी पुरस्कार मिला, जो कि औरंगाबाद जिले के रहने वाले हैं। औरंगाबाद जिले में ही पोटास, क्रोमियम और निकेल का ब्लॉक अलॉट हुआ है। ये रहा गया जिला। गया जिले में दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बत एंड इंडियन एंशियंट विजडम खुला है। भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र गया जिले में। चिल्ड्रेन बैंक गया जिले में। कोरियाई शैली का बौद्ध मंदिर ये बनाया जा रहा है गया जिले में ही। तिलकुट पत्थलकटी जीआई टैग अभी मिला नहीं है, इसको रिकमेंडेशन के लिए डाला जा रहा है, और इसको जीआई टैग मिलने में नवार्ड बिहार सरकार की हेल्प करेगा। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर गया जिले में। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद NAAC के द्वारा साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी को ए ग्रेड मिला है। बिहार में पहली बार किसी यूनिवर्सिटी को ए ग्रेड मिला है। और पटना जिला हो गया है। ये रहा नालंदा जिला। नालंदा जिला में सहस्त्र बुद्धा के स्तूप मिले हैं। 1200 साल पुराने दो लघु स्तूप हैं। सेंटर ऑफ फ्लोरिकल्चर नालंदा जिले में। वैभवगिरी पर्वत, जो कि चर्चा में था वैभवगिरी पर्वत, ये भी नालंदा जिला में ही है। कन्फर्मेटी असेसमेंट स्कीम मार्क नालंदा डेयरी को मिला है। स्पोर्ट्स सेंटर नालंदा जिले के राजगीर में खुलेगा। ये रहा नवादा जिला। हिसुआ भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा हिसुआ में बनेगा। वर्सालीगंज स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में सीमेंट फैक्ट्री अदानी ग्रुप के द्वारा खोला जाएगा। गार्लैंड ट्रेंच देख सकते हैं, यहाँ पे भी आया नवादा जिले में। ये रहा शेखपुरा जिला। गुड गवर्नेंस रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा शेखपुरा जिला। जमीन प्लॉट को आधार नंबर से यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। ये रहा लखीसराय। लखीसराय के कजरा में 250 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट बना है। ये रहा जमुई जिला। 6000 करोड़ रुपए लौह अयस्क का जो खान है उसका आवंटन हुआ है। मनरेगा के तहत काम दिलाने में सबसे ऊपरी स्थान है जमुई जिले का। विक्की पांडे को द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सौर चक्र प्रदान किया गया है।
गिद्दौर महोत्सव का आयोजन जमुई जिले में किया गया था। अगला ये रहा मुंगेर जिला। मुंगेर जिला बिहार राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के अंतर्गत जलाशय डिवीजन का मुख्यालय मुंगेर जिला को घोषित किया गया है। विरासत वृक्ष जो कि पहला वाला सीतामढ़ी में था, यहाँ पे ITC मुंगेर परिषद में बरगद के पेड़ को मिला है। दूसरा रेल सुरंग, बिहार का दूसरा रेल सुरंग मुंगेर जिले में बन रहा है। वानिकी कॉलेज मुंगेर जिले में बन रहा है जो कि देश का दूसरा और बिहार का पहला है। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि देश का पहला वानिकी कॉलेज कौन से राज्य में बना है। अब बचा है सिर्फ और सिर्फ दो राज्य, एक भागलपुर और एक बांका। भागलपुर वाला पहले देखते हैं। बैडमिंटन एकेडमी भागलपुर में खोला जा रहा है। वाटर टेस्टिंग लैब को मान्यता मिली है भागलपुर जिले के वाटर टेस्टिंग लैब को। विक्रमशिला महोत्सव भागलपुर जिले में। सेल्फ मूट एंड डिजिटल कोर्ट अगेन भागलपुर जिले में। गरुड़ की 7 प्रजाति पे डाक टिकट जारी किया गया है जो कि भागलपुर जिले की गरुड़ की 7 प्रजाति है। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा सिल्वर रेटिंग मिली है। कहलगाम बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड मिला है। अकबर नगर में कार्गो टर्मिनल बनाया जा रहा है। दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर जिले में बनाया जा रहा है। नटखट साइंस लैब ये भी भागलपुर जिले से ही संबंधित है। चिल्ड्रन बैंक याद रखिएगा आप लोग का गया जिले में था, और बांका जिले में क्या है, कोकुम बैंक। सोने की खान बांका जिले में मिली है, इससे पहले सोने की खान जमुई जिले में मिली थी। चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग कृषि और जल संसाधन में पहला स्थान बांका जिले को और दूसरा स्थान कटिहार जिले को। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 यहाँ बांका से स्टार्ट हुआ है। गार्लैंड ट्रेंच अगेन आपको बांका जिले में भी है, और ओढ़नी डैम एक इसे टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।